में 8 साल की मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को बरामद कर लिया। पीड़िता के मुताबिक एक आरोपी ने अपहरण कर उसके साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया। वहीं बच्ची के बयान पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, जबकि नाबालिग की काउंसिलिंग कराई जा रही है। 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया, अपहरण के बाद मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने लापता बच्ची को बरामद कर लिया। आरोपी फरार है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। एक बार फिर से हैवानों ने एक 8 साल की मासूम को बड़वानी में अपना शिकार बनाया। पता चला था कि एक बालिका का अपहरण किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी द्वारा अत्यंत संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्काल पूरे थाने को इस काम पर लगाया कि बालिका को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। इसमें पुलिस को सफलता भी मिली और बालिका को थाने लेके आए। जब पूछताछ की, उसके मम्मी पापा यहाँ पर आ गए थे, पूछताछ की तो पता चला कि उसके साथ में रवि नाम के व्यक्ति ने गलत काम किया है, जिसपे फिर हम रवि को ढूंढने का प्रयास किया और बाकी बालिका को महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा अच्छे से पूछताछ की गई, काउंसलिंग कराई गई और उसके बाद में आगे एफआईआर की कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर, मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। भोपाल, ग्वालियर समेत कई जगहों पर बारिश हो सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए अलर्ट है। इसमें भोपाल, ग्वालियर समेत कई जगह है जहां पर बारिश हो सकती है। देखिए, मानसून जाते जाते भी इस बार बादल जमकर बरस रहे हैं और लोगों की परेशानियां भी बढ़ा रहे हैं। कई हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है। मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। देश में बढ़ते साइबर अपराध से बचाने के लिए प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में शहडोल के कोटमा में कौशल विकास केंद्र में स्कूली बच्चों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया गया। दरअसल जिला प्रशासन ने कौशल विकास केंद्र कोटमा में साइबर अपराध को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसमें 50 छात्रों को साइबर अपराध के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। साइबर अपराध से बचने के तरीके बताए गए हैं। देखिए, साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हम देख रहे हैं कि लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है लगातार अलग अलग तरीके से। कई बार हम देखते हैं कि साइबर या फिर ऐसे बड़ी